और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सच समाचार में। आजकल जो भी चीजें सोशल मीडिया पर और मीडिया में दिखाई और सुनाई दे रही है, क्या इसी का नाम है लोकतंत्र, क्या इसी का नाम है गणतंत्र, या इसी का नाम है जनतंत्र? क्या इसे आप कह सकते हैं 2022 या 24 में होने वाले चुनाव की बानगी? क्या लोगों ने इसी राम राज्य की कल्पना की थी, जहां एक मुख्यमंत्री एक योगी हो, एक महंत हो जो सिर्फ और सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहनता हो, जिसे अर्थ और राजनीति से कोई मतलब ना हो? लेकिन आज के चुनाव का लोकतंत्र लूट तंत्र बन चुका है, आज का गणतंत्र गणतंत्र बन चुका है, और आज का जनतंत्र धन तंत्र बन चुका है। तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे राम राज्य या फिर महाभारत? जी हाँ, ये एक महाभारत ही है, चुनाव जीतने का महाभारत, एन के एन प्रकारेन चुनाव जीतने का महाभारत। किसी महिला की इज्जत तार तार हो जाए, जहां पे द्रौपदी का फिर से चीरहरण किया जाए, वहां पे फिर भी मंत्री संतरी चुनाव आयोग के सभी तंत्र हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, आप इसे भारत के लोकतंत्र पे कलंक भी कह सकते हैं। जिस महिला की साड़ी खींची गई, उस महिला की वीडियो फुटेज हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारी भी कुछ गरिमा है, इस देश की भी कुछ गरिमा है, और इस वीडियो को दिखाने की इजाजत मेरा जमीर नहीं देता है। आप कह सकते हैं कि आजादी के बाद हमने लोकतंत्र के एक ढांचे को अपनाया था। सन 1949 में संविधान लागू होने से पूर्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि इस खूबसूरत संविधान को अपनाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इसकी सार्थकता तब होगी जब गांव के प्रत्येक गरीब गुरबा इस संविधान के तहत आजादी प्राप्त कर ले। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इसे हम भारत का एक मजबूत लोकतंत्र कह सकते हैं? आज उत्तर प्रदेश में 60 से ज्यादा महिला सांसद और विधायक है, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी महिला है, लेकिन इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मोदी जी के मंत्रिमंडल में 11 महिला मंत्री हैं, और इतना ही नहीं, 4 महिला मंत्री योगी जी के मंत्रिमंडल में है, 11 महिला उत्तर प्रदेश से सांसद है, 40 विधायक है, उत्तर प्रदेश का अपना मंत्रिमंडल यानी कि अपना महिला आयोग है, देश का अपना महिला आयोग है, फिर भी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में दिन दिहाड़े कैमरे के सामने एक महिला की इज्जत तार तार की जाती है, उसके कपड़े खींचे जाते हैं, उसकी साड़ी खींची जाती है, उसका चीरहरण किया जाता है, 4 से 5 व्यक्ति उसके कैमरे के सामने चीरहरण करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के CM योगी जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इसके लिए अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकालते हैं। DM पटवारी कप्तान सामने देखकर शर्मा जाए, फिर भी पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी रहे, क्या उसे किसी का संरक्षण प्राप्त है जो एक शब्द अपने मुंह से निकाल नहीं पाए? भाजपा के किसी भी प्रवक्ता ने निंदा नहीं की, जिस प्रकार हस्तिना में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तब वहां के महाराजा और मंत्री स्तब्ध थे, आज ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के CM और देश के PM स्तब्ध है। उस समय भी सत्ता मौन थी और आज भी सत्ता मौन है, लेकिन हस्तिनापुर के मंत्री तब भी मौन थे और आज भी मौन है। इतना ही नहीं, हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, अनुप्रिया पटेल, अनीता बहुगुणा, ये सब भी तो महिला है, लेकिन सभी की सभी मौन है। क्या इसी का नाम है लोकतंत्र? और क्या यही है लोकतंत्र? वो जीत किस काम की, वो सत्ता सुख किस काम का, जिसमें किसी बहन बेटी की इज्जत तार तार की जाए? मेरा ये वीडियो मुख्यमंत्री योगी जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करता है कि वे दोनों इस विषय पर संज्ञान लें और दोषी को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाए। और अभी भी समय है लोकतंत्र की मान मर्यादा और लोकतंत्र को बचा लें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।